हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी पहल मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम देख रहे थे ये सभी वर्कशीट्स। तो देखिए, यहाँ पर हमने देख लिया था वर्कशीट 45 तक कंटिन्यू, अब देखेंगे वर्कशीट 46 से कंटिन्यू। तो वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न, आपको पैटर्न कंप्लीट करना है 10, 16, 22। तो 6-6 का अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए, इसी तरह से आपको आगे भी सॉल्व करना है इस पैटर्न को। जैसे 10, 16, 22 आगे हो जाएगा 28, 34, 40, 20, 24, 28 में 4 का डिफरेंस है, 28 के बाद में लिख देंगे 32, 36, 40, 42, 49 में 7 का डिफरेंस है, तो 56 के बाद में लिख देंगे 63, 70, 77, 33 देखिए 33, 36 में है 3 का अंतर, 3 का डिफरेंस है, तो 36 लिख देंगे, देन 39, देन हो जाएगा 42, 45। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द पैटर्न बाय जंपिंग के थ्रू आपको पैटर्न ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरह से कर देंगे, 24 से देखिए जंप किया हुआ है 27, यानी 3 जोड़ करके 27 कर दिया, तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, 30 में 3 जोड़ने पर मिलेगा 33। इसी तरह से 40 में 42 कब मिलेगा, जब 2 जोड़ेंगे, तो इसी तरह से 42 में 2 जोड़ने पर मिलेगा 44, 44 में 2 जोड़ने पर मिलेगा 46, 46 में 2 जोड़ने पर मिलेगा 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 मिल जाएगा। इसी तरह से 55 में 1 जोड़ने पर 57 हो गया, 57 में 2 जोड़ेंगे तो 59, 59 में 2 जोड़ेंगे तो 61, देन हो जाएगा 63, देन हो जाएगा 65, 67। 45 में 43 कैसे हुआ, -2 करा तब, 43 से 41 -2, 41 से 39 हो जाएगा -2 करने पर, इसी तरह से -2 करेंगे तो 37, इसी तरह से -2 करेंगे 35, देन हो जाएगा 33। तो ये डन होता है वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे वर्कशीट 47, तो यहाँ पर क्वेश्चन है चिल्ड्रन हेयर आर सम फ्लैग्स फॉर डेकोरेशन इन विच नंबर आर रिटन, यू कैन सी दैट -2 इज़ द फर्स्ट फ्लैग, देन हो जाएगा 2+2, 4 इन द सेकेंड फ्लैग, 4+2, 6 इन द थर्ड फ्लैग, इसी तरह से 6+2, 8 फ्लैग, फोर्थ फ्लैग हो जाएगा, पैटर्न ऑफ 8+2, 10 इन द फिफ्थ फ्लैग इज गिवन, नाउ राइट द नंबर इन द नेक्स्ट फ्लैग। तो देखिए 2-2 के अंतर है, 2 में 4, 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, तो यहाँ पर देखिए 10 में 2 जोड़ेंगे, 10 में +2 कर देंगे तो 12, 12 में +2 करने पर मिल जाएगा 40। इसी तरह से नेक्स्ट है फाइंड द पैटर्न ऑफ नंबर द गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पैटर्न के थ्रू इसे कंप्लीट करना है। देखिए 20, 30, 40, 50 सब में 10-10 का अंतर है, 10 का डिफरेंस है, तो आगे कर देंगे 60, 70, 80, 90 एंड 100। लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ शॉल गिवन बिलो देन टेल विच इज द टॉन पीस, आइडेंटिफाई द टिक, तो यहाँ पर देखिए इसका जो टुकड़ा फटा हुआ है ना, वो कौन सी पिक्चर शो कर रही है इसका जो, तो देखिए आप पैटर्न को ध्यान से देखिए किस में कैसा पैटर्न है। तो फोर्थ तो जो ऑप्शन है ना, उसमें देखिए सेम पैटर्न दे रखा है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकेट द डिफरेंट पैटर्न गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच पैटर्न कैन नॉट बी मेक फ्रॉम दिस शेप सर्कल दैम, तो देखिए यहाँ पर इससे जो नहीं बना है ना इस पैटर्न से, वो आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट सेकेंड तो इसी से बना हुआ है, इसी पैटर्न के थ्रू, तो जो नीचे के 2 जो हैं जिस पे सर्कल किया है वो इससे नहीं बने हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ इसी पैटर्न से बना हुआ है, बाकी थर्ड और फोर्थ जो है वो नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 47। आप देखेंगे वर्कशीट 48, फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर साइज विद द 3-डायमेंशनल फिगर्स, तो देखिए 3-डायमेंशनल 3D इमेज आपको देखनी है कि कौन सी जो पिक्चर है वो इस शेप से मैच कर रही है। जैसे देखिए एक कैप दे रखी है, वो है कॉनिकल, इसी तरह से सूटकेस है क्यूबॉइड, सिलेंडर हो जाएगा सिलेंड्रिकल, एक पजल जो बॉक्स दे रखा है वो कैसा हो जाएगा, लाइक अ क्यूब, क्यूब की जैसे, ठीक है। इसी तरह से फुटबॉल गेंद की जैसे है, ढोलक जो है आपका ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल बेलनाकार, इसी तरह से पासा हो जाएगा लाइक अ क्यूब, बेलन हो जाएगा सिलेंड्रिकल, बलून हो जाएगा स्फेयर, इसी तरह से हो जाएगा जो आइसक्रीम होती है सॉफ्टी वो कॉनिकल, इसी तरह से ईंट, ईंट का जो टुकड़ा होगा वो कैसा होगा क्यूबॉइड, टमाटो कैसा हो जाएगा स्फेयर लाइक। तो ये आपको पैटर्न देखना था, तो ये डन होता है वर्कशीट 48।
आप देखेंगे वर्कशीट 49, फर्स्ट क्वेश्चन है सी द पिक्चर बिलो। पिक्चर देखनी है आपको, देखिए सर्कल कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये वर्गाकार में यानी स्क्वायर में। इसी तरह से नाउ टेल हाउ मेनी स्ट्रेट एंड कर्व लाइन आर देयर इन द फिगर गिवन। आपको स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन काउंट करनी है, तो देखिए यहाँ पर स्टार और बॉल दोनों शेप हैं इसके अंदर। तो कर्व लाइन तो यहाँ पर देखिए मुझे दिख रही है 1, 2 और 3। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन देखिए यहाँ पर इस शेप में 7 है, कर्व लाइन 0। इसी तरह से इस फॉर्म में भी, क्यूबॉइड फॉर्म में भी आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन 12 और कर्व लाइन 0। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पंचकोण है और नीचे एक हाफ सर्कल है, तो कर्व लाइन तो हो गई 1 और स्ट्रेट लाइन है 5। सर्कल द लेटर फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट गिवन बिलो। तो स्ट्रेट लाइन को आपको सर्कल करना है जो भी अल्फ़ाबेट स्ट्रेट लाइन से बने, जैसे N, H और T, बाकी सब में कर्व्ड है, कर्व्ड है या किसी में दोनों है। इन द फॉलोइंग इंग्लिश लेटर्स सर्कल द लेटर्स विच आर मेड ऑफ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन, दोनों से बना है जो, जैसे G स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, कर्व लाइन भी आ रही है, D कर्व लाइन भी आ रही है, स्ट्रेट लाइन भी, P में स्ट्रेट लाइन भी है, कर्व लाइन भी है, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 49। अब देखेंगे वर्कशीट 50, फर्स्ट क्वेश्चन है पुट द गिवन नंबर कार्ड इन द करेक्ट पोजीशन। तो नंबर कार्ड आपको करना है, करेक्ट पोजीशन पर लिखना है उन्हें। तो देखिए इधर से स्टार्ट करेंगे हम, 11 के बाद में 17 हो गया, 11 में 6 अगर काउंट करेंगे आप तो 17 हो जाएगा। 17 के बाद में देखिए यहाँ पर 26 को शो करेंगे आगे जा करके, 18, 19, 20, 21, 22। तो आपको काउंट करते हुए आगे बढ़ना है, 26 के बाद में हो जाएगा 35 यहाँ आ जाएगा, 36, 37, 38 यहाँ आ जाएगा, 42 हो जाएगा यहाँ पर, 3, 4, 5, 6 46 यहाँ आ जाएगा, 47 देखिए यहाँ आ जाएगा 46 के जस्ट बाद, देन आ जाएगा 48, 49, देन आ जाएगा 50, 51, 52, देन आ जाएगा 56, देन आ जाएगा 62 और 65 लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, 66 टोटल ब्लॉक्स है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 50। आई होप आपको सभी वर्कशीट समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप बेहिचक हमारे चैनल के थ्रू कमेंट्स बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। इसके अलावा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है या चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने देखा वर्कशीट 50, 49, 48, 47, 46 की सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।